बंद है हीराकूद जल भंडार आउ चार गेट जल भंडार को जल प्रवेश ह्रास पाइबास जलस्तर ह्रास पाँच पूर्व 28 गेट जोगे जल निष्कासन होता बेले एवं 24 गेट दे जल निष्कासित हो महानदी में मध्यम धरणर बन्या आशंका रही विभिन्न नदी जलस्तर विपद संकेत उपर थिबारु तळिया अंचलवासी को सतर्क रहा कह तबे मुंडली में मध्य जलस्तर वर्तमान बढ़िबार लगी जो बन्या जल रही प्रभावित होची तो इन्हें अधिक अपडेट पाई जिबा इमरान खान रही आम कटक प्रतिनिधि इमरान वर्तमान सेठारे स्थिति कौन रही जमती उपर मुंडरे वर्षार परिमाण कमुची टिके आश्वस्तिर कथा देखो कमलाकांत जेहतु उपर मुंडल वर्षा कमी कितु जो जलस्तर रही महानदी ता वृद्धि पावर लगी कहीं जानते हैं आप जेहतु गत काली हीराकूद डैम्रु जो वर्षा जल निष्कासित होता मुंडली मध्यरात्रि आसिक मुंडली पहुंची और जहाँ बर्तमान सुधा मुंडली पाखापाखि 6,76,000 क्यूसेक जल निष्कासित होेतु आप जानते हीराकूदर पाखापाखि 24 गेट दे जल आसुच्च बर्तमान दृश्य देखेबी हूँ मुंडली दृश्य जो बर्तमान वर्षा जल जेहतु हीराकूद निष्कासित होता है मुंडली पहुंचा पर वर्तमान वर्षा जल सीधा सड़क महानदी और काठजोड़ी आड़क जाए कहीं जानते जेहतु मुंडली जो जल रही दुईट नदी को विभक्त कर कटक को गोटे पटे जा महानदी और अंपटे जाठजोड़ी कितु महानदी जितनी शाखा नदी गुड़ी रही खास करके आम कहीपर आठगड़ तिगिरी और बांकी ब्लक और महांगा ब्लक ये तीनो ब्लक्र अधिकांश ग्राम पंचायत अधिकांश गाँव बर्तमान पानी घेर रही पाखापाखि हेक्टर हेक्टर चाष जमी नष्ट और पानी घेर अनेक लोक अच्छा कितु तलिया अंचल जेहतु अधिक प्रभाव पकाच बनिया जल और बर्तमान सुधा जो अपडेट रही जो मुंडली में पाखापाखि 6,76,000 क्यूसेक जल जेहतु मुंडली निष्कासित हो पूर्वर ता 6,69,000 था जदि आम सका 7 गत काली रात 11 जदि कथ कह कहीं से ही समय जलस्तर स्थिर रही है कि जेहेतु बर्तमान धीरे धीरे जलस्तर बढ़ुची आसंता आ घंटा पर अर्थात पाखापाखि मध्यान पर 7,00,000 रु 7,50,00,000 क्यूसेक जल जलस्तर निष्कासित हो पार बोली जहाँकि पूर्वानुमान करूँ बर्तमान सुधा जेहे स्थिर रही जेहतु उपर मुंड वर्षा होना से कोटा कोटी यहाँ जलस्तर बर्तमान धीरे धीरे जो स्थिर रही कितु अधिक मात्रा वृद्धि पाने अंपटे जदि आप देखिए कमलाकांत ये जो हीरा जो मुंडली विपद संकेत जेहतु रोला ये 97.25 रही विपद संकेत कि बर्तमान ता अफ्लो जो रही 90.4 देखिए अफ्लो करुच्चर मुंड जल आस जो रही पाखापाखि यार जो कहींपर आगामी कि समय पर यह जेहतु वृद्धि पाव कि जेहतु मध्यान समय दिए मध्यान समय यह 7,00,000 रु 7,50,000 क्यूसेक जल जाए कि यहाँ बर्तमान महान बर्तमान जी जल निष्कासित हो आग को कौन आस समय जो हीराकूद जल भंडार जो पा आँच तो तलिया अंचल जो मैंने रही पा द्वारा किसी अधिक प्रभाव पड़पे तलिया अंचल जो मैंने रही वर्तमान स्थित जहाँ आप देखुं देखो कमलाकांत जेहतु महानदी में बर्तमान जलस्तर वृद्धि पाला जो तलिया अंचल रही खास करके आप तिगिरी कथा कहतु महांगा कथ कहतु बांकी कथ कहतु तीनो ब्लक्र जेहतु तलिया तल अंचल रही से अधिकांश प्रभावित होती जेहतु महांगार अधिकांश पाखापाखि 70 पाखापाखि गाँ हम ता जलबंदी भितर रही तिगिरी कथ कहतु बांकी कथ कहतु बांकी पाखापाखि 6 रु 7 पंचायत ता जलबंदी भितर से रही हेक्टर हेक्टर चाष जमी बर्तमान नष्ट फसल नष्ट चाषी मैंने बर्तमान चिंतार अच्छा कटक जिला प्रशासन पक्ष बर्तमान सुधा सूचना मिली से बीडीओ और तहसीलदार सहित जोजोग से जो जो जगार लोक स्थानातर करता से जगह लोक स्थानातर कर जो जो जगार शुखला खाद्य पहुँचा जावा कथा से शुखला खाद्य रंधा खाद्य प्रशासन पक्षर मैं पहुँचा जाकि कटक जिला प्रशासन पक्ष सूचना मिली अनेपटे एनडीआरएफ और ओड्राफ टीम सबू जगार एनडीआरएफ टीम पहुंची प्रशासन नजर रखुच्छी स्थित उपर बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान रही आम कटक प्रतिनिधि अधिक अपडेट दे मुंडली।